तो हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर क्लास एएस टेक्निक मेकर माइंड स्टार पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक पर। कल की क्लास में डिवाइवर हमने पढ़ा, ठीक है, और आज की क्लास में डिवाइवर के क्वेश्चन हमें करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके पास आ रहा है वो क्या है, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें क्या कि आपको किन तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n, ऐसा है तभी डिवाइवर लगेगा, अदरवाइज डिवाइवर नहीं लगेगा। यहाँ cos होना चाहिए, इमेजिनरी टर्म के साथ sin होना चाहिए, एंगल दोनों के इक्वल होने चाहिए और बीच में साइन प्लस का होना चाहिए। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अगर इन तीन में से कोई भी एक मिसिंग है तो आप उसे ढूंढ के लाओगे, ठीक है। डिवाइवर का काम इतना क्लियर बात, यहाँ कॉस इमेजिनरी के साथ में साइन, एंगल दोनों इक्वल और बीच में प्लस का साइन, ठीक। ये तीन चीजें होंगी तभी हम डिवाइवर लगा सकते हैं, अगर नहीं होंगी तो वो हमें कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। लगाएंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कल हमने कुछ फॉर्मूले भी बताए थे आपको, कौन से वाले, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इक्वल टू साइन इंटू साइन अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बताया था। हाँ, तो उसके लिए हमने बताया था पहला प्लस में, दूसरा प्लस में, आंसर किसमें, प्लस में, एंगल भी प्लस में और साइन भी प्लस का बताया था। मतलब कैसे, मतलब ऐसे कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा इक्वल टू क्या होगा, cos अल्फा प्लस बीटा, प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। ये सुन लो, बताया था ये फॉर्मूला कि नहीं बताया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जिसके पास नहीं है एक बार फिर से देख लो, ठीक है। अब पहला माइनस में, दूसरा प्लस में, पहला माइनस में, दूसरा प्लस में, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एंगल, ये क्या है एंगल, और ये क्या है बीच वाला जो साइन आना है वो, ठीक है। तो जब पहला माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तो एंगल किस में आएंगे, माइनस में, और साइन किसका आएगा, ठीक है। कैसे, जैसे हमने कहा कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा माइनस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आई साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा cos अल्फा माइनस बीटा, एंगल में माइनस आएगा बीच में साइन प्लस आएगा, आई साइन अल्फा माइनस बीटा, यस और नो, ठीक। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े तो पहला वाला प्लस में, कॉस कॉस पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, पहला प्लस में, दूसरा प्लस में, नहीं होगा, पहला माइनस है दूसरा प्लस है ना, तो एंगल माइनस में, अच्छा साइन भी प्लस आएगा, साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक। और यहाँ पे पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, ठीक है। तो साइन किसका आएगा आपका, माइनस का, एंगल जो है वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने कहा कि cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा है और cos बीटा माइनस आई साइन बीटा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा, एंगल माइनस साइन प्लस, ठीक। तो क्या हुआ आपका, पहले जब दोनों प्लस में तो एंगल भी प्लस साइन भी प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस तो एंगल भी माइनस और साइन भी माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस तो एंगल माइनस साइन प्लस, और जब दोनों ही किस में हो, माइनस में हो, जब दोनों ही माइनस में हो तो एंगल आपका प्लस होगा और साइन आपका माइनस होगा। कैसे, जैसे हमने कहा cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा इंटू cos बीटा माइनस आई साइन
बीटा दोनों माइनस में है तो एंगल किस में होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा में, और बीच में माइनस का साइन आएगा और साइन अल्फा प्लस। ठीक, तो एक बार फिर से रिवाइज देख लो जल्दी से इसका, क्योंकि इनका उपयोग बहुत ज्यादा होने वाला है। दोनों प्लस में, एंगल प्लस में, साइन प्लस में, पहला माइनस, दूसरा प्लस, एंगल भी माइनस, साइन भी माइनस, पहला प्लस, दूसरा माइनस, एंगल माइनस, नहीं एंगल माइनस, साइन प्लस, दोनों माइनस, एंगल प्लस, साइन माइनस। ठीक, क्लियर? जिसके पास ये नहीं है वो नोट कर लो जल्दी से, ठीक है? और जैसे ये हो जाएंगे आप अपन कर रहे हैं, हो गया। क्वेश्चन करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है आपका, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर 4 इंटू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर 3 को हल करें। सॉल्व, ठीक, अब इसमें लिखा कहीं जमावर से सॉल्व, जैसे cos थीटा आई साइन थीटा देखा जमावर लगेगा। ठीक, तो यहाँ तो देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, जमावर की तीनों शर्तें पूरी हो रही। दूसरे वाले में cos थीटा है, यहाँ इमेजिनरी के साथ साइन थीटा है, एंगल दोनों में इक्वल है, दो शर्तें पूरी। तीसरी शर्त है यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ पे है माइनस, तो पहले इस माइनस को यहाँ से हटाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे तो लग जाएगी डायरेक्ट, इसमें दबावर लगा दो, सीधी क्या हो जाएगी, cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा, इसे नहीं जाइए बात करें, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा यूजिंग दबावर थ्योरम। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो इस माइनस को हम हटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos माइनस थीटा प्लस i sin माइनस थीटा की होल पावर। Yes or no? अब देखो ये cos में इमेजिनरी के साथ साइन, एंगल दोनों के इक्वल, बीच में प्लस, लग जाएगा डिवाइडर की नहीं, बिल्कुल लग जाएगा, क्यों, cos थीटा प्लस i sin थीटा है। ठीक है, डिवाइडर लगेगा, ये हो गया आपका cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा इनटू cos माइनस 3 थीटा प्लस i sin माइनस का 3 थीटा। ठीक, ये हो जाएगा आपका cos 4 थीटा माइनस प्लस i sin 4 थीटा इनटू cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा, तो माइनस का i sin 3 थीटा। यस और नो? अब पहला प्लस में, दूसरा, ठीक, पहुंचे वही चार फॉर्मूलों में से, ये देखो पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, क्या होता है, एंगल माइनस होते हैं, साइन प्लस आता है। ठीक, यहाँ लिखेंगे क्या, क्योंकि cos अल्फा प्लस i sin अल्फा इंटू cos बीटा माइनस i sin बीटा इक्वल टू क्या होता है, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा, प्लस में माइनस में, ये प्लस में माइनस में, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन माइनस बीटा, हो गया। यही चीज इसमें अप्लाई कर दो, जैसे ही हमने इसमें अप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 4 थीटा माइनस 3 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा माइनस, यस और नो, आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आंसर नहीं आया, मेरा आपके सामने पूरा क्वेश्चन सॉल्व, यस और नो, कोई ऐसा जिसे नहीं आया हो समझ में, अभी भी आ गया ना, समझ में आया क्या, जिसे नहीं आया वो बोलो, अभी तो नहीं आया था।
ब्रिटिश गार्डन देख लो भैया, यहाँ पे क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसका तो डायरेक्ट अमाउंट पर लग जाएगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n क्या होता है, cos tan थीटा प्लस आई साइन tan थीटा। यहाँ था cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो साइन माइनस थीटा होगा, तो थीटा इक्वल होना चाहिए इसलिए cos माइनस थीटा हो गया। और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, करने में कोई दिक्कत नहीं इसको, तो cos माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा की पावर 3। अब ये बन गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये बन जाएगा क्या cos माइनस 3 थीटा प्लस आई साइन माइनस 3 थीटा। cos माइनस थीटा है cos थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू cos थीटा माइनस आई साइन माइनस आई साइन थीटा, पहला प्लस में दूसरा माइनस में एंगल माइनस साइन प्लस। ठीक, तो बस 4 थीटा में से 3 थीटा माइनस हुआ cos थीटा, और 4 थीटा में से 3 थीटा माइनस हुआ नहीं आया पक्का, सबको आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कीजिए सभी लोग सॉल्व। क्वेश्चन है cos थीटा नहीं cos 3 थीटा माइनस i sin 3 थीटा की होल पावर 4 अपॉन cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा की होल पावर कितना 6 को हल करें। सॉल्व इसको करो, क्या करना है सॉल्व करना है, cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा की पावर 4 अपॉन cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा की पावर 6। यहां cos इमेजिनरी के साथ sin ठीक है, 3 थीटा 3 थीटा अच्छी बात, प्लस की जगह माइनस दिक्कत वाली बात। ठीक, तो इसको क्या करेंगे अंदर भेजेंगे। ठीक है, अब अपॉन वाला हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, क्या हमने सारे इंटू वाले फॉर्मूले पढ़े। ठीक, अपॉन का कोई फॉर्मूला नहीं है, जब फॉर्मूला नहीं है तो अपॉन में लेके टाइप हो ले जाओ ऊपर इसको। ठीक, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, cos माइनस 3 थीटा प्लस आई साइन माइनस का 3 थीटा इसकी पावर 4 इंटू ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा और इसकी पावर में माइनस। यस, पावर नेगेटिव हो जाती है जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो, हो जाती कि नहीं हो जाती, जब नीचे से ऊपर जाते हैं एनर्जी डाउन हो जाती कि नहीं हो जाती, प्रेशर बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। हाँ, जब ये नीचे से ऊपर गए तो इनसे माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे लग जाएगी दिमाग पर, देखो cos इमेजिनरी के साथ साइन एंगल दोनों इक्वल बीच में प्लस तीनों करते तो लगा दो जमावर, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n क्या होता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तो cos माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 3 का 12 थीटा प्लस आई साइन माइनस 4 3 का 12 थीटा। बताओ नहीं है ये बात समझ में, यस और नो। इधर देखो cos cos आई के साथ साइन साइन थीटा एंगल इक्वल इक्वल बीच में प्लस प्लस, बढ़िया शर्त पूरी हो गई तीनों, क्या लगेगा रिमाइंडर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, cos माइनस का 12 थीटा प्लस आई साइन माइनस का 12 थीटा, तो माइनस कैसे आ गया क्योंकि पावर माइनस में, माइनस सिक्स का मल्टीप्लाई होगा 2 थीटा में तो माइनस का 12 थीटा, माइनस सिक्स का मल्टीप्लाई 2 थीटा में माइनस का 12 थीटा, नहीं आया आया। तो ये जो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, माइनस i sin 12 थीटा क्या होता है i sin 12 थीटा, यहाँ क्या होगा cos माइनस थीटा cos थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस का आई साइन 12 थीटा, दोनों किस में
दोनों माइनस में, दोनों कितने माइनस में, और जब दोनों माइनस में होते हैं तो क्या रूल लगता है, दोनों माइनस में तो एंगल प्लस साइन माइनस, तो एंगल प्लस हो जाएंगे कॉस थीटा है, कॉस 12 थीटा प्लस 12 थीटा, और साइन माइनस आई साइन 12 थीटा प्लस 12 थीटा, यस और नो? ठीक, अब देखो कॉस 12 12 24 माइनस आई साइन 12 12 24, यही हमारा उत्तर नहीं आया, कोई ऐसा जिससे नहीं आया हो अभी भी। ठीक, एक तरीका ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो देखो ऐसे करो, इसको हटाओ अभी फिलहाल साइड में ले लो। ठीक, इसमें देखो क्या हो जाएगा, cos 12 थीटा माइनस i sin 12 थीटा का क्यों हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, होल स्क्वायर कर जाएगी पावर। ठीक है, तो पावर ऐसी होल स्क्वायर हुई, तो cos और i के साथ में sin, लेकिन बीच में माइनस, दिक्कत करेगा, माइनस को अंदर भेजो, क्या हो जाएगा, cos माइनस का 12 थीटा प्लस i sin माइनस का 12 थीटा का होल स्क्वायर, फिर से क्या लग जाएगा, डिवाइडर, डिवाइडर जैसे ही लगाया तो cos 2 का अंदर मल्टीप्लाई cos का 24 थीटा प्लस i sin 2 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 24 थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और sin माइनस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा, तो i sin 24 थीटा, तो ये भी आपका वो उत्तर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आया पहले, यस पक्का, कोई है ऐसा जिसे अभी भी नहीं आया हो, एक बार और रिपीट करना है, नहीं करना तो पेनल्टी को करना है, तो जिसको भी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है, और अगला क्वेश्चन हम अभी आपको बताएंगे। ठीक, तो ये आपका एक और तरीका है, यहाँ से कहाँ से करना, ठीक, आप इन दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक था सेम, यहाँ तक तो था पूरे में सेम। ठीक, इसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक तरीका आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक, इधर से या तो ऐसे जाओ या इधर से आप ऐसे जाओ, दोनों तरीके आप जाते हैं। ठीक, तो मैं बस यही सब देखूँ। ठीक है, आया क्या समझ में, आया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो भैया, cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा की पावर कितना, की पावर 3 इंटू cos 3 थीटा, cos 3 थीटा माइनस i sin 3 थीटा की पावर कितना अपॉन cos 6 थीटा प्लस i sin 6 थीटा की पावर 5 इनटू cos 2 थीटा माइनस i sin 2 थीटा की पावर 4। ठीक, को हल करें, ऊपर अलग सॉल्व करो, नीचे अलग सॉल्व करो, तो दोनों ऊपर नीचे सॉल्व हो जाएंगे, फिर नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, फिर से सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर। ठीक, आप अपना करो, हम अपना करते हैं, मंडी लगे।
इतना टाइम भी तो नहीं है क्योंकि क्लास रिकॉर्ड है, क्योंकि क्लास चल रही है, हम उन लोगों को बेचारों को बैठने थोड़ी दे सकते हैं। ओके आंसर आ गया। किसी का कौन हुआ देखो, cos 3 की 4 थीटा i sin 4 थीटा की पावर q था, q अंदर भेजा 12 थीटा i sin 12 थीटा, 6 अंदर भेजा cos 18 थीटा माइनस i sin 18 थीटा, 5 अंदर भेजा cos 30 थीटा माइनस i sin 30 थीटा, 4 अंदर भेजा cos 8 थीटा माइनस i sin 8 थीटा, पहला प्लस में दूसरा माइनस में एंगल माइनस sin प्लस, 12 में से 18 गया, 12 माइनस 18, नीचे प्लस में माइनस में एंगल माइनस साइन प्लस, 30 माइनस है, 12 में से 18 जाएगा माइनस 60 का, 12 में से 18 जाएगा माइनस 60 का, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज 30 में से 8 गया 22, 30 में से 8 गया 22, ये चीज गई ऊपर कॉस 22 थीटा प्लस आई साइन 22 थीटा की पावर माइनस 1, माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लाई किया कॉस 22 थीटा माइनस आई साइन 22 थीटा, पहला माइनस में दूसरा माइनस में एंगल प्लस साइन माइनस, एंगल हो गया प्लस, 6 थीटा 12 थीटा 22 थीटा कितना हो गया 28 थीटा, 6 थीटा 22 थीटा कितना हो गया 28 थीटा, और बीच में साइन माइनस का ये तो उत्तर आ जाता है। कोई है ऐसा जिसे नहीं आ रहा हो रिमाइंडर का? नहीं आ रहा, आ गया ना? और पीछे पुण्यात्मा हो आ गया सबको इधर माइनस वन का
बना देखो cos n थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर माइनस n है, माइनस का मतलब क्या है? आगे बढ़े तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। दिक्कत हो, अगला क्वेश्चन बात नहीं। टाइम हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन देखो अगला, सही बहुत सही क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है आपका cos 3 थीटा माइनस i sin 3 थीटा की होल पावर 5 अपॉन 3 इंटू cos 4 थीटा प्लस i sin 4 थीटा की होल पावर 3 अपॉन 4। इफ बस लास्ट क्वेश्चन ना बैठ जाओ, लास्ट करें, क्या करना है? cos थीटा माइनस sin थीटा पावर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो cos 3 इंटू 5 अपॉन 3 थीटा माइनस i sin 3 इंटू 5 अपॉन 3 थीटा इंटू cos 4 इंटू 3 अपॉन 4 थीटा प्लस i sin 4 इंटू 3 अपॉन 4 थीटा, 3 से 3, 3 से 3, 4 से 4, 4 से 4, कट 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 कट, क्या बचा? cos 5 थीटा माइनस i sin 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा, ठीक, पहला माइनस दूसरा प्लस, एंगल भी माइनस साइन भी माइनस, यस और नो? तो cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस i sin 5 थीटा माइनस कितना आंसर आ जाएगा? cos 2 थीटा माइनस i sin 2 थीटा, यस और नो? ठीक, बाकी क्वेश्चंस करेंगे अपन कल। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों की किताबों में हो वो आज सॉल्व करें, ठीक है? जो नहीं आए वो हमसे कल पूछ ले यार, और कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तब तक सभी को टाटा बाय बाय, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।